So welcome back in my YouTube channel. We are going to discuss a new lecture. So get together with us. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन हम पोल्ट्री में इंक्यूबेशन प्रोसेस होता है. इंक्यूबेशन का एक प्रोसेस होता है. उसके आज इंक्यूबेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इंक्यूबेशन क्या होता है पोल्ट्री में. इंक्यूबेशन जो पोल्ट्री में होता है वो ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक हमारा जो एग होता है, फर्टाइल एग होता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है और उसकी कैपेसिटी होती है, या उसे हम कह सकें कि उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो वॉकिंग कर सके और ईटिंग कर सके. मतलब कि जो हमारा एग होता है, जब भी कोई हैन, फॉर सपोज हम नेचुरल की बात करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, फिलहाल इंक्यूबेशन की बात करेंगे. वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एग जो है वो चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके साथ साथ उसमें एबिलिटी होती है कि वो वॉक कर सके और ईट कर सके. इंक्यूबेशन की ये डेफिनेशन है. अभी टू मेथड्स हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन के, कौन कौन से होते हैं. एक होता है नेचुरल इंक्यूबेशन जिसे ब्रोडी हैन भी हम कहते हैं. दूसरा होता है इंक्यूबेटर जो हम थ्रू आर्टिफिशियल या मशीन के, इंक्यूबेटर मशीन के ज़रिए इंक्यूबेशन करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंक्यूबेशन जो ब्रोडी हैन होती है. ये ब्रोडियन क्या होती है, जो हमारी रूरल एरियाज़ में या गांव में स्मॉल स्केल्स में पाई जाती है. इसमें ये जो होती है अपने जॉब के साथ गुड होती है और ये जो होती है इसे जो हैच होता है, हैन से जो भी एग्स हैच होंगे उसके टू थिंग्स होती हैं. मतलब उसमें दो चीज़ें वो करती है. सबसे पहले कि हमें क्या करना होता है, वो उसकी जगह मालूम करनी होती है कि जो हैन, ज़ाहिर सी बात है रूरल एरियाज़ में जो ब्रोडी हैंस होती है वो अपनी अलग जगह पे बैठ के वहाँ पे अंडे देती है. तो हमें पहले उनकी जगह ढूंढनी होती है नेचुरल इंक्यूबेशन में. दूसरी बात उसे इंड्यूस करना होता है कि कहाँ पे वो सेट करती है. अभी हमें कैसे पता चले कि जो हमारी गांव वाली या ब्रोडी हैन या जो हमारे गाँव में मिल रही है हैंस, देसी हैंस, वो कैसे ब्रोडीनेस में आई है. मतलब उस वो अभी अंडे कैसे देंगी तो उसकी कौन कौन सी साइन है, मतलब वो अपने नेस्ट पे कैसे बैठेगी, तो हमें कैसा पता चले कि वो अभी अंडे देने के लिए रेडी है. तो उसकी साइंस होती है, सबसे पहले वो क्लकिंग करती है, क्लकिंग का साउंड देती है अपने बीक से. उसके बाद वो दूसरे जो भी फ्लॉक होता है उसका, उसके साथ जो होते हैं उसे दूर रहती है, मतलब अवे रहती है, सबसे एग्रेसिव होती है. उसके साथ साथ वो रात के टाइम अपनी जगह पे बैठती है, अंडे देने वाली जगह पे रात के टाइम पे जाके बैठती है. हमें ये ख्याल रखना है, ये इसकी साइंस है. और उसके साथ साथ जो अपनी नेस्ट है जहाँ पे वो बैठती है उसको वो प्रोटेक्ट करती है. अगर कोई वहाँ पे जाता है तो उसके साथ वो एग्रेसिवली रोल अदा करती है. तो ये इसकी साइंस है. अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. एडवांटेजेस क्या हैं नेचुरल इंक्यूबेशन के, जो अपने नेचुरली हिसाब से ब्रोडी हैंस में होता है. तो इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके पास जो हैन होती है वो खुद ही अपना काम करती है, मतलब नेस्ट पे भी खुद बैठती है, अंडे भी खुद देती है. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो हैन खुद ही करती है. उसके बाद जो ब्रूड चिक्स होते हैं, मतलब अंडों के बाद, अगर अंडों के बाद डायरेक्ट उसका चिक भी हो जाता है, मतलब हैच भी खुद ही करती है. एडवांटेजेस ये हैं नेचुरल इंक्यूबेशन के. और उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस में, जाहिर सी बात है जिसकी मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं. डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये जो एक टाइम पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्स देती है, मतलब ज़्यादा नहीं देती है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है. उसके बाद जो हैन होती है वो कभी कभी अपने जो अंडे होती है खुद ही ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है अपने अंडों को खुद ही. उसके बाद डिजीज़ ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये एक बाहर वाली एनवायरनमेंट में पड़ा होता है नेस्ट इसका, वहाँ पे ये अंडे देती है. तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कंटामिनेशन होगी हैन से, चिक जो भी अंडे से चिक निकलेगा उसमें ये डिजीज़ की ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा होती है. ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है. दूसरा जो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, जो इंक्यूबेटर से करते हैं, हम मशीन से करते हैं, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि इंक्यूबेटर क्या होता है. इंक्यूबेटर में क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स होती है इंक्यूबेटर, मतलब बेसिकली एक बॉक्स होती है जो एग्स को होल्ड कर दिए, जो भी हम एग्स उसमें डालेंगे उसको वो होल्ड करती है. उसके साथ साथ उसके टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है थ्रू मशीन. मशीन के हिसाब से इंक्यूबेटर उन एग्स को मेंटेन करेगा और उसकी ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, उसे मेंटेन करेगा. ये होती है इंक्यूबेटर, मतलब आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन. चिक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये भी याद रखना है, 21 डेज़ होता है. 21 डेज़ के बाद वो उसे, मतलब चिक निकलता है अंडों से 21 दिन के बाद,
तो हमें 21 दिन उस इंक्यूबेटर में अंदर रखना है, ये होती है आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। उसमें हमें टेम्परेचर का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है। अगर टेम्परेचर, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इंक्यूबेटर का वो 99.5 18 दिन फर्स्ट डे से देखें, क्योंकि 21 दिन तक हमें इंक्यूबेटर में रखना है अंडों को, तो पहले 18 दिनों तक हमें टेम्परेचर जो देना है वो नॉर्मली 99.5 फारेनहाइट तक देना है इंक्यूबेटर का, और 18 दिन के बाद हमें 99 फारेनहाइट देना है, ये टेम्परेचर हमें याद रखना है। अगर इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो जो चिक निकलेगा वो वीक होगा, उसमें आइज नहीं होंगी, मतलब एबनॉर्मल हो जाएगा और हर्निया भी हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर हमें रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे फिर भी काफ़ी चिक्स में इशू होते हैं, जैसे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है, वो तकरीबन 50-70% इसकी नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उससे हम ज़्यादा करेंगे तो चिक में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज आएंगे। उसके साथ साथ हमें कैंडलिंग का यहाँ पे ख्याल रखना है इंक्यूबेटर में, क्योंकि हमें इंक्यूबेटर में 18 या 14 दिन जैसे ही होंगे चिक्स अंडों को, तो हमें उसकी कैंडलिंग करनी है। कैंडलिंग में क्या होता है, हमें कैंडलिंग का ख्याल रखना होता है। कैंडलिंग में क्या होता है कि हम जो अंडे होते हैं उनको देखना होता है, इंक्यूबेटर में देखना होता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आई, उसे मतलब हम लाइट होती है एक कैंडलिंग की, वो लगा के एग्स को देखते हैं कि अगर उसमें कोई भी हमें ब्लड या वगैरह ऐसी सिमेर नज़र आएगी तो हम देखेंगे कि ये जो अंडा है वो एबनॉर्मल हो चुका है, वो हम वहीं से ही रिमूव कर देंगे ताकि दूसरों को इफेक्ट ना हो, और जो देखेंगे वहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, पूरा क्लियर नज़र आ रहा है, तो वो अंडा हमारा हेल्दी है, तो वो हम अंदर इंक्यूबेटर में रखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का हमें आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन मतलब इंक्यूबेटर में ख्याल रखना है। तो आज का टॉपिक यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में किसी और लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।